हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मत समझना कि मनी हाइस्ट वगैरह हमने देख लिया तो उसके बाद कुछ भी अच्छा रिलीज नहीं होने वाला है, कुछ भी थ्रिलिंग रिलीज नहीं होने वाला है। वीक टू भी आपके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और आज मैं आपको ऐसी 10 मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली तो पहले तो हिंदी में रिलीज होंगी और ज्यादातर आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा इसके अंदर क्योंकि ये काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी होने वाली है, मीनिंगफुल भी होने वाली है और स्टोरी में काफी डेप्थ भी होने वाली है जिस तरीके से इसके ट्रेलर को अभी तक रिसेप्शन मिली है। तो पहले जल्दी जल्दी हम शुरू कर लेते हैं। 8th of September को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रिलीज है कैंडी, जो कि वूट के ऊपर रिलीज होगी। ये वेब सीरीज जिसके अंदर आपको रौनक रॉय और ऋचा चड्ढा दिख जाएंगे और वो कुछ सुपर नेचुरल कम थ्रिलर कम मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए आपको दिखेंगे एक फिक्टिशियस से शहर में जिसका नाम है रुद्रकुंड। और यहां पर कैंडी का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जहां पर कुछ ड्रग्स का मामला आपको सॉल्व करना है पुलिस के साथ। आपको इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि जिस तरीके की ये सीरीज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वो चीजें खोजेंगे और आप भी उसी के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रिलीज के ऊपर, JJ+E। अब आप बोलोगे JJ+E जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, ये क्या नाम हुआ JJ+E? आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना जो प्रिजर्व करते हैं, उस मॉन्यूमेंट्स के अंदर आप लिखे हो लिखते हुए देखते हो S+M+Z+something else, तो क्या होता है दो लव बर्ड अपना नाम इकट्ठे लिख देते हैं। ये भी इसी तरीके की कहानी है JJ+E। हालांकि ये रोमांटिक ड्रामा है जो कि कॉलेज सेटअप के में होगा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि फिरंगी सीरीज होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो होता है ना सोसाइटल डिफरेंसेस, अमीर गरीब की कहानी का मिश्रण भी यहाँ पर दिखेगा जिसको देख के आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपको लगता था कि ये जो भेदभाव होता है अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, तो ऐसा नहीं है, ये फिरंगी देशों में भी होता है और ज़्यादा होता है कई बार। और US तो स्पेसिफिकली US में हालांकि बेस्ड नहीं है, बट US में जिन लोगों को नहीं पता है रंग भेद का काफ़ी ज़्यादा रहता है सिलसिला, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए जो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगा 8th of September के अंदर। अब 10th of September में दोस्तों भर भर के 8 कंटेंट आ रहा है, तो ये जितने भी मैं आपको बाकी 8 चीज़ें बताने वाला हूँ ये सारा का सारा 10th को आने वाला है। तो जब आप 10th को ये देखोगे तो विच इज़ अ फ्राइडे, यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ये 3 दिन का आपका प्रोग्राम बन जाएगा, आपका वीकेंड बिल्कुल सही बीत जाएगा। तो पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो की है Z5 की नेट, मतलब इंटरनेट से ड्राइव किया हुआ नेट। और ये नेट बहुत अच्छा शब्द है इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि तेलुगु मूवी है, इसके अंदर नेट का मतलब है आप कैसे इस नेट के अंदर फंस जाते हैं, डिजिटल स्पाइंग और हैकिंग के क्या डाउनसाइड होते हैं और आजकल नेट पे अच्छे लोग और बुरे लोग भी होते हैं और जब बुरे लोग आ जाते हैं तो उसका रेपरकशन क्या होता है, यही सब मूवी में हमें दिखाया जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों 4th नंबर पे रिलीज होने वाला कंटेंट है इस सितंबर वीक 2 के अंदर, वो है हाय तौबा सीजन 3 ऑल्ट बालाजी का। और इस बारी ये जो रूप ले रहा है वो ले रहा है एंथोलॉजी का। इसके अंदर 4 अलग अलग स्टोरीज होंगी जो कि सेल्फ डिस्कवरी की होगी, सेल्फ एक्सप्रेशन की होगी, जिसके अंदर शेमलेसली फिर से ये दिखाया जाएगा कि अगर आपके कुछ सेक्सुअल डिज़ायर हैं, चाहे मन की इच्छाएं हैं, वो आप बिल्कुल एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर कोई जेंडर बायसेस नहीं होंगे, अगर आप मेन हैं तो सदियों से दिखाया जा रहा है मेन को क्या चाहिए, बट वॉट वुमेन वॉन्ट वो भी इसके अंदर दिखाया जाएगा। बहुत अरसे के बाद Z5 ऑल्ट बालाजी के साथ आ रहा है, हमें ऐसा लगा था कि शायद Z5 का अब जो है तार कट चुका है, पर तार कटा नहीं है, यहाँ पर फिर से वो एक साथ दिखने वाले हैं। तो Z5 और ऑल्ट बालाजी पे एक साथ ही रिलीज होगी, ये MX प्लेयर पे नहीं आएगा हाय तौबा सीजन 3। अब चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर के कंटेंट के ऊपर और उस कंटेंट का नाम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस कंटेंट का नाम है क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। और ये Z5 के ऊपर कंटेंट आने वाला है, ये बेसिकली एक मूवी है और सुरभि ज्योति इसके अंदर और जस्सी गिल जो कि बहुत ही फेमस पंजाबी एक्टर हैं, साथ ही साथ में विजय राज भी होंगे, तो इसकी स्टार कास्ट ठीक ठाक है। और दोस्तों इसका जो मेन मुद्दा है जब डीमोनेटाइजेशन हो रही थी वहाँ से आया गया। आपको याद होगा कि जब न्यूज़ आ रही थी डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो कोई एक नोट के ऊपर ये लिखा गया था सोनम गुप्ता बेवफा है, तो वहाँ से ही थोड़े से क्लू लेके क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएगा जहाँ पर सुरभि ज्योति और जस्सी गिल की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा और कुछ कंक्लूजन होगा। क्या होगा प्रिसाइजली वो ट्रेलर से भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो कि अच्छी बात है, लेट्स सी इट। आई एम श्योर ये अच्छी होगी क्योंकि स्टारकास्ट तो अच्छी लग रही है। 6वें नंबर का दोस्तों जो कॉन्टेंट है वो मैं पर्सनली जरूर देखना चाहता हूँ क्योंकि
ये सोनी लिव के ऊपर आएगा और ये काफी हद तक मुझे 90s के ड्रामा की याद दिलाने लग जाता है, जहां पर हैप्पी मूड के काफी ज्यादा अच्छे फैमिली ड्रामा हुआ करते थे। पटलॉक दोस्तों इसका नाम है, यहाँ पर फैमिली ड्रामा तरीके का होगा। जब आप थके टूटे घर पे आते हैं तो और फैमिली के साथ डिनर करना चाहते हैं तो वैसा क्या कंटेंट देखे जो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फादर हैं जो रिटायर हुए हैं, जिनका रोल जतिन दयाल प्ले करेंगे और साथ में साइरस सहूकार जो 90s के दशक में या अर्ली 2000 के दशक में वीजे हुआ करते थे, वो बहुत ही कॉमेडी तरीके से हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं। और ये पूरे कॉमेडी के तरीके से फैमिली कैसे इकट्ठे आती है, इनके अपने डिफरेंसेस क्या होते हैं, वही देखने को हमें दोस्तों मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर जो हमें ट्रेलर के अंदर जितना भी पोर्शन दिखा है अभी तक, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लाइट हार्टेड जोन में रखी गई है। और स्पेसिफिकली ये जैसे फैमिली नंबर वन तरीके का एक शो आता था या फिर देख बाई देख आता था, उस तरीके के जोन के अंदर ये होनी चाहिए, जो कि नीट एंड क्लीन अच्छी सीरीज होनी चाहिए। जैसे सारा भाई भी आता था तो उस तरीके के जोन में ये होनी चाहिए, जो यूनिवर्सली लोगों को पसंद आती है और थोड़े मॉडर्न भी होगा, थोड़ा सा अर्बन होगा ये नेचर के अंदर, तो कनेक्ट भी अच्छे से होगा। सातवें नंबर का दोस्तों जो कंटेंट है वो है तक जगदीश। और तक जगदीश का दोस्तों जो कंटेंट है, ये एक मूवी है जो कि अमेजॉन प्राइम पे आएगी। ये तेलुगु एक्शन फैमिली ड्रामा है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर नानी एज एन एक्शन हीरो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, बट जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, मुझे कोई खास इसके साथ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मैंने ट्रेलर देखा, मुझे पुराने ज़माने की साउथ की मूवीज़ की याद आ गई, जहाँ पर आपका डील डॉल कैसा भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं भी दिखते हो, लेकिन आप हीरो हो तो आपको कोई नहीं मार सकता, और वही स्टाइल बाजी के साथ आप बस एक्शन करे जा रहे हो और ये एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा कि आपसे महान कोई नहीं है। ये मुझे उस जोन में जाती हुई लग रही है, मुझे उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है इससे। सॉरी, मुझे पहले से ही किसी भी मूवी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हो सकता है ये आइकॉनिक मूवी हो, बहुत अच्छी मूवी हो, इसके बहुत सारे लेसन हो, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है, तो हो सकता है फैमिली लेसन और उनकी बॉन्डिंग के बारे में हो। बट जिस तरीके से इसका एटलीस्ट अभी तक डिलीवर हुआ है, मेरे को इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। और मैं उन रिव्यूअर्स में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो भेड़ चाल करते रहते हैं और जो बोलते हैं कि साउथ का कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो बस तारीफें करते चले जाओ। सॉरी, वो मेरे से मत एक्सपेक्ट करना, मैं उसके मेरिट के ऊपर ही आपको अपनी जजमेंट या फिर अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा। एनीवेज, आगे चलते हैं। आठवें नंबर का कॉन्टेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर दोस्तों दो बड़ी रिलीजेस थे, एक तो था मनी हाइस्ट ऑफकोर्स, अब उसका लास्ट पार्ट जो आने वाला है वो 3 दिसंबर को आने वाला है। दूसरा जो बहुत बड़ा कॉन्टेंट था ना, जो आठवें नंबर का कंटेंट है आज की डिस्कशन के लिए दोस्तों, है लूसिफर का कंक्लूजन वाला सीजन, विच इज कॉल्ड सीजन 6, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा, हिंदी के ऊपर भी आएगा। अब फाइनली ये हेल से आया हुआ किंग वापस कैसे जाता है दोस्तों, किंग मतलब अपने लूसिफर मॉर्निंग स्टार, अब फाइनली इनका क्या कंक्लूजन होता है, इनको इनका प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, कि उसको अलविदा कह देते हैं, क्योंकि हमें ये भी समझ में आया कि और क्लोई डेकर जो उनका लव इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं वो भी ब्लेस्ड चाइल्ड है, तो ब्लेस्ड चाइल्ड का ट्रीटमेंट भी दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अलग ही होगा। तो क्या वो भी हेल में चली जाती है, या फिर लूसिफर को कुछ और एक चांस मिलता है, अब कोई और जो है हेल का किंग बनता है और ये कहीं और मूव कर जाता है, क्या होता है वी डोंट नो, बट जो भी होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे 10th of September। 9th नंबर का जो कंटेंट है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है केट। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी दोस्तों, ये मूवी काफ़ी बढ़िया है और ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई, जो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने निभाया था। यहाँ पर आपको दिखेंगी मेरी एलिजाबेथ, जो बहुत ज़बरदस्त एक्शन फिर से करती हुई नजर आएंगी। इनका नाम यहाँ पर दोस्तों है केट, और ये बेसिकली एक असैसिन है जिनको पॉइजन कर दिया गया है, और इनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद इनका थैंक यू होने वाला है। तब तक इनको फाइंड आउट करना है कि इनको पॉइजन दिया किसने है, और अगर होपफुली इनको कोई एंटीडोट तब तक मिल जाता है, तो यही सारी 24 घंटे की ये कहानी है, जिसके अंदर आपको भरपूर एक्शन दिखेगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो फेमिनिज्म में ट्रूली बिलीव करते हैं और ये समझते हैं कि मैन एंड वीमेन आर इक्वल एंड वीमेन शुड ऑल्सो बी प्रोजेक्टेड इक्वली ऑन द स्क्रीन, और उनको भी उसी तरीके के पावरफुल रोल मिलने चाहिए, उनके लिए परफेक्ट मूवी होगी। तो एटॉमिक ब्लॉन्ड जैसी ये बहुत जबरदस्त हाई ऑक्टेन एक्शन से भरी हुई मूवी होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से यूनिवर्सली पसंद आनी चाहिए। अब 10th और लास्ट कंटेंट जो है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनको सर्वाइवल मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, जहां पर लोगों को फंसा हुआ देख के कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग एंड में जी जाते हैं, उस तरीके की कहानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, उनको इससे थ्रिल मिलता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी आने वाली है जिसका नाम है प्रे।
एनीवे एक सर्वाइवल मूवी है जिसके अंदर कुछ फ्रेंड्स जो हैं एक हाइकिंग के लिए अंदर निकल जाते हैं, एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है और उनके ऊपर शुरू हो जाती है फायरिंग। अभी फायरिंग कौन कर रहा है, ये कैसे बचेंगे इससे, यही सब कहानी है दोस्तों इसके अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये भी, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगी। जिस तरीके से ये शूट हुई है वो टिपिकल जिसे आप कहते हैं यूरोपियन स्टाइल के अंदर ये शूट हुई हुई है, जहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही कम दिखने वाली है, जहाँ पर सर्वाइवल रेट और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको कोई हेल्प मिलती भी तो नजर नहीं आ रही होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए मेरे समझ के हिसाब से। तो दोस्तों ये 10 कंटेंट थे, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो 8th दोस्तों दो इंपॉर्टेंट रिलीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैंडी जो कि वूट के ऊपर आएगी, जे जे प्लस ई जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी, और 10th को 8 कंटेंट एक साथ रिलीज हो रहे हैं। Z5 के ऊपर आएगा नेट, और उसके बाद हाई तोवा 3 जो सीजन 3 है वो ऑल्ट बायोलॉजी और Z5 पे एक साथ रिलीज होगा, और साथ ही साथ में Z5 पे एक और कंटेंट रिलीज होगा जिसका नाम है क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है ? और पटलॉक दोस्तों रिलीज होने वाला है सोनी लिव के ऊपर। तक जगदीश जो कि एक तेलुगु मूवी है, एक्शन मूवी है, एक्शन फैमिली ड्रामा है, वो अमेजोन प्राइम वीडियो पे रिलीज होगी। लूसिफर का फाइनल कंक्लूडिंग जो सीजन है वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर दिख जाएगा, और केट जो कि एक्शन से भरपूर फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ एक जबरदस्त मूवी होनी चाहिए असैसिन्स के ऊपर, ये दोस्तों आपको दिख जाएगी 10th को अगेन। और लास्ट जो मैंने आपको बताई सर्वाइवल मूवी उसका नाम है प्रे। ये सारी चीजें आप दोस्तों नोट कर लो, और जो जो भी आपको इसमें से पसंद आता है अपने कैलेंडर में डाल लो, और अगर आपको कैलेंडर में नहीं भी डालना है तो मेरे समझ के हिसाब से जो 50-60 कंटेंट इस हफ्ते में रिलीज होने वाले हैं अगर आप इन पे भी फोकस कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ ढंग से फिल्टर आउट कर लिया। बाकी चीजें बुरी नहीं है, उसका भी मैं रिव्यू डालता रहूंगा, कोई भी रिव्यू हम छोड़ेंगे नहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, बट ये वाला कंटेंट तो आपको जरूर देख ही लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।